नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको भारत के लिए गौरवान्वित महत्व का एक दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नई पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन किया है। पुराना पार्लियामेंट हाउस जो था वो गुलामी का प्रतीक थी, पुरानी हो चुकी थी, उसमें भारतीयता का कोई भी चिन्ह नहीं था। जहाँ भी प्लेटें लगी थी सभी पर अंग्रेजों के नाम लिखे गए थे, लेकिन अब नई बिल्डिंग जो है शुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति, धार्मिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करती है। पुरानी बिल्डिंग में बैठने के लिए स्थान बहुत कम था। जब पार्लियामेंट का, राज्यसभा और लोकसभा का मिला जुला सेशन होता था तो सांसदों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन इस नई बिल्डिंग में लोकसभा के 888 मेंबरों का और राज्यसभा की 384 सदस्य सांसदों के लिए जगह होगा। सांसदों को बैठने के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं। इसमें बहुत कम समय में, 2020 में शुरू हुई, 2023 में मई 28 तारीख को इसका उद्घाटन कर दिया। हम ये देखो, जो कारीगर हैं, कर्मचारी हैं जिन्होंने ये काम किया, उनका स्वागत किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही अच्छी बात है, वो हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यही भारत के संविधान की डिजिटल ये पूरा भारत का गौरव इसमें दिखाया गया है। एक एक प्रतीक इसमें दिखाए गए हैं जिससे भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। और आज तमिलनाडु से लाया गया चोल साम्राज्य के समय का राजदंड कहो या धर्मदंड कहो, उसकी लोकसभा के अध्यक्ष की चेयर के पास स्थापित किया गया है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क। इसमें भारत के प्रत्येक हिस्से से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। कहीं त्रिपुरा का बम्बू, राजस्थान के, गुजरात के सफेद मार्बल गुजरात से लाए गए हैं और ये पूरा इको फ्रेंडली और भूकंप निरोधक है। 1700 अधिक दरवाजे और खिड़कियां इसमें हैं और 3.5 किलोमीटर लंबा इसका कॉरिडोर है। भारतीय सभ्यता का इसमें पुरजोर जो है हिस्सेदारी की गई है। देखिए भारत का संस्कृति किस प्रकार दिखाई गई है, शुद्ध रूप से भारत की संस्कृति का प्रतीक का है। गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में दिल्ली
देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता ये अशोक का चक्कर, गांधी जी का स्टैच्यू, बहुत भव्य इमारत है, बहुत शानदार है। ये शायद विश्व में सबसे बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। भारत संसार का सबसे प्राचीन डेमोक्रेटिक देश है। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आशीर्वाद, संसदीय लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंपराएं, प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा एवं माननीय, 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी साथियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है,
नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदिनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं।
महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो यह हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है, श्वेते निपद्य मानस्य चराति चर्त भवः, चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का यह अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का यह अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। मोदी जी की जो भाषण देने की शैली है उसका कोई जोड़ नहीं है। वो एक एक बात को बहुत सूझबूझ से और तोल तोल के बोलते हैं। उनके अंदर भारतीयता बसी हुई है। भूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु, भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल
विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी, इसलिए ही बीते डेढ़ दो दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं। और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है।
बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हो, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही है। देश का विकास देश के लोगों का विकास। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले 47 के पहले 25 साल याद, 1 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय
आने वाली सदियों। गणमान्य अतिथिगण, भारत की संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।